आपको बताना चाहता हूँ स्वामी शिवानंद के बारे में। स्वामी शिवानंद जो हैं वह ब्रह्मचारी हैं, और मैंने इनकी पीडीएफ के बारे में बहुत पढ़ा, यानी कि इन्होंने जो बुक बनाई वह पीडीएफ में ट्रांसलेट हुई और मैंने उनकी पीडीएफ को पढ़ा। पहले स्वामी शिवानंद ही थे जिनकी पीडीएफ को मैंने पढ़ा था, और उस पीडीएफ में जो भी अच्छी बातें थी वो मैंने अपनी डायरी में लिख ली थी। इनकी और भी पीडीएफ थी जो ब्रह्मचर्य के ऊपर थी, अंग्रेजी में भी इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी जो ब्रह्मचर्य के ऊपर थी। तो फिर स्वामी शिवानंद जो हैं, मैं सोचता था कि इनकी मृत्यु हो गई है और इनका देहांत हो गया है, मैं ऐसा सोचता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि स्वामी शिवानंद जो हैं वह अभी भी जीवित हैं। इन्होंने नवयुवाओं के लिए, जवान व्यक्तियों के लिए ऐसी सीख दी है अपनी पुस्तकों में कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करें, और वह आज भी जीवित हैं। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो पीएम मोदी के साथ, जो आप फ़ोटो देख रहे हो यह स्वामी शिवानंद की ही है। जवानी में आप इनकी फ़ोटो देखिए, और अभी इनकी आयु आप विश्वास नहीं करोगे, इनकी आयु 125 वर्ष है, और पीएम मोदी जो है ये इनको किसी सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनको देखा और सच में मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं वह आज भी जीवित हैं। ये किस वजह से संपन्न हो पाया है? यह गुरु भी हैं, यानी कि यह योगा भी सिखाते हैं, तो यह किस वजह से संभव हो पाया है? क्योंकि यह ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी हैं, और ये सोचिए कि पीएम मोदी से यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और इनकी आयु 125 वर्ष हो गई है। सोचिए, एक ब्रह्मचारी है वह जो अभी भी जीवित है और उसकी आयु 125 वर्ष हो गई है। यह हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि जो जिनकी पुस्तकें मैं पढ़ता था, जिनकी पीडीएफ मैं पढ़ता था, जो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना बोलते थे, वह आज स्वयं मेरी आंखों के सामने हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो ये मोदी हैं वह इनको सम्मानित कर रहे हैं। यह योग गुरु हैं, यह योग सिखाते हैं और ब्रह्मचर्य की भी शिक्षा देते हैं। मैंने इनकी पीडीएफ भी पढ़ी और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। शायद इससे पहले आपको नहीं पता होगा कि ये व्यक्ति है कौन। सोचिए, इनकी आयु 125 वर्ष हो गई है और फिर भी ये अभी कितने तंदुरुस्त नज़र आते हैं, कितने फुर्तीले नज़र आते हैं। आप इनकी वीडियो को गूगल में सर्च करना, तो फिर वहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से पीएम मोदी ने इनको सम्मानित किया था। यह योग गुरु भी हैं, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ब्रह्मचर्य के द्वारा अतुलित बल तो प्राप्त होता है, लेकिन व्यायाम करना पड़ता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो योग गुरु हैं इनके भीतर भी असीमित बल रहा हो, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताना ये चाहता हूँ कि मैंने जब इनके बारे में पहली बार देखा था और इनके बारे में सुना था कि पीएम मोदी ने स्वामी शिवानंद को सम्मानित किया है, तो फिर मैं गूगल पर सर्च करने लगा था कि कहीं यह वही शिवानंद तो नहीं है जिनकी मैंने पीडीएफ को पढ़ा है, जिनके बारे में मैंने पढ़ के ब्रह्मचर्य के बारे में इतनी सारी सीख ली है। तो फिर बाद में मुझे यही पता चला कि यह वास्तव में स्वामी शिवानंद ही हैं, और यह अभी भी जीवित हैं। सोचिए, इनकी आयु 125 वर्ष हो गई है और अभी भी जीवित हैं। यह हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि यह ब्रह्मचर्य का इन्होंने पूर्ण पालन किया है, जिस वजह से इनकी आयु 125 वर्ष हुई है। यह एक सीधा साधा प्रूफ है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि स्वामी शिवानंद की आयु 125 वर्ष है, और अभी तो यह और भी लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। इस छोटी सी वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको बता सकूं कि शायद कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बूढ़ा सा व्यक्ति है, यह स्वामी शिवानंद है, और इनकी आयु 125 वर्ष हो गई है, और ये पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अभी भी करते हैं। इसलिए युवाओं को तो मेरा संदेश यही जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य के पालन करने में कोई भी कठिनाई नहीं है, हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। बस आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो गया है, लेकिन मज़ा तो तभी आता है जब कठिन चीज़ को हम आसान बना दें। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, बलवान बनो। आज के समय में हम बलवान बन सकते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा और राममूर्ति के व्यायाम के द्वारा। इसलिए शक्तिशाली बनिए और समाज का कल्याण कीजिए।